बीच समुद्र में टापूनुमा शेप में दिखाई देने वाला ये मकान कोई साधारण मकान नहीं है, बल्कि ये 372 वर्ष पुरानी भारत की एक जेल है, जिसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। खूंखार अपराधी को इस जेल में बंद कर दिया जाए तो उसके द्वारा जेल तोड़कर भागने की योजना पूरी तरह से विफल हो जाएगी, क्योंकि ये जेल दमन एंड दीप, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके समुद्र के बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी के अंदर ही ये जेल बनी हुई है। जेल तोड़कर भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हाल ही में इस जेल में सिर्फ एक ही कैदी है जो अपनी पत्नी को जहर देकर मारने के जुर्म में अपनी सजा काट रहा है। 30 वर्षीय ये एक ही कैदी इस जेल में बंद है। सरकार ने सन 2013 में इस जेल को बंद करने का निर्णय लिया। उस टाइम इस जेल में कुल 5 कैदी थे। अब उनमें से 2 कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और 2 कैदी बरी हो चुके हैं। अब बचा है तो सिर्फ एक कैदी। ये जेल भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस जेल में कुल 5 पुलिसकर्मी और एक जेलर की ड्यूटी है, जिन पर सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा है वो लग रहा है। इस कैदी को सेल नंबर 4 में रखा जाता है। इस सेल में कुल 5 लोगों के कैदियों के रहने की जगह है, लेकिन फिलहाल यहाँ ये अकेला रह रहा है। कैदी को मनोरंजन के लिए टीवी में सिर्फ दूरदर्शन चैनल दिन में एक बार दिखाया जाता है। शाम को कैदी को जेल में थोड़ा टहलने की परमिशन भी दी गई है। जेल में ही इसके खाने की व्यवस्था की गई है। अब सरकार इस कैदी की सज़ा पूरी होने के बाद इस जेल को बंद भी कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस जेल को बंद करने वाली है। इस कैदी की सज़ा पूरी होने के बाद भी इसे बंद किया जा सकता है, या फिर इस कैदी को कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके, दूसरे जेल में स्थानांतरित करके भी इस जेल को बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये जेल तो काफ़ी बड़ी है और ये एक दुर्ग की तरह है, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर कैदियों को, इस कैदी को रखने का खर्चा भी सरकार को बहुत ज़्यादा वहन करना पड़ रहा है। इसलिए अब इसे सरकार दूसरी जेल के अंदर स्थानांतरित भी कर सकती है। फिलहाल इसमें एक ही कैदी है और अंग्रेजों के टाइम से ये पुराने, बहुत पुराने, जो 372 वर्ष पुरानी जेल है, यहाँ पर खूंखार अपराधियों को रखा जाता था ताकि वो भागने की किसी भी तरह की कोशिश ना कर सके, उनकी हर तरह की कोशिश है वो नाकाम हो जाए। लेकिन धीरे धीरे इस जेल में रखने की जो प्रोसेस है वो कम हो गया, यानी यहाँ पर किसी भी कैदी को अब नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ पुराना कैदी है एक जो सज़ा काट रहा है। 30 वर्ष से इस कैदी की सज़ा इतनी हो चुकी है या पूरी हो जाएगी, या फिर इसे दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो उस जेल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जेल आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।